वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में आपका स्वागत है। आज है 1 जून और 1 जून का करंट अफेयर्स आपके लिए लाया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक है, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है, यानी किस टीम ने जीता है। जो टाटा आईपीएल है यानी कि 2022 में इसको टाटा ने ख़रीदा है, इसलिए इसको टाटा आईपीएल, यानी अब पहले जो ये था वीवो आईपीएल यानी वीवो कंपनी इसको ख़रीदा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है गुजरात टाइटल्स, बी है राजस्थान रॉयल्स, सी है मुंबई इंडियंस और डी है दिल्ली कैपिटल्स। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात टाइटल्स, यानी गुजरात टाइटल्स। चलिए गुजरात टाइटल्स के बारे में देख लेते हैं। गुजरात टाइटल्स जो है 7 विकेट से राजस्थान को हरा करके इस मैच को जीता था, यानी कि 7 विकेट से हराया था। और गुजरात टाइटल्स का कैप्टन कौन थे, वो हार्दिक पांड्या था इसका कैप्टन। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और भी इसमें जो बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कप दिए जाते हैं, जैसे कि हो गया पर्पल कप, ऑरेंज कप। अब की बार ध्यान लेते हैं पर्पल कप किसको मिला है। पर्पल कप जो मिला है वो मिला है यजुवेंद्र चहल को मिला है, यजुवेंद्र चहल को मिला है। और पर्पल कप उसे मिलता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। और ऑरेंज कप एक मिलता है, ऑरेंज कप ये जो सबसे ज़्यादा जो रन बनाते हैं उनको मिलता है। ये जो मिला है जॉस बटलर को मिला है, जॉस बटलर को जो मिला है ऑरेंज कप मिला है। और भी मिलता है एक सुपर स्ट्राइक ऑफ द ईयर, सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन जो है दिनेश कार्तिक है। चलिए नेक्स्ट और भी जान लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दो, जो छोटा सा दो लिखा गया बड़ा है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है। ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है 27 मई, 29 मई, डी सी है 28 मई और डी है 25 मई। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 29 मई। 29 मई को जो है विश्व पाचन दिवस मनाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि पाचन दिवस जो है मनाया गया है तो इसका थीम क्या है। जो भी दिवस मनाया जाता है स्वास्थ्य के रिलेटेड, उसका एक थीम होता है, यानी एक मोटिव होता है कि इस पर काम करना है। अब की बार इसका थीम था कि कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम, इसका थीम था, यानी कि विश्व पाचन दिवस जो मनाया गया, जो 29 मई को मनाया गया है, इसका थीम था कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम, जो उसके बाद था ट्रैक पर वापस आना, इसका थीम है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड आईडी 2022 जीता है। जो आईडी एक पुरस्कार है जिसको गोल्डन आईडी बोला जाता है, चलिए इसको आईडी भी लिखा जाता है, दो नाम से जाना जाता है इसको। जो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, मरिया पुलिस 2, बी ऑल दैट ब्रिथ, सी है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, डी है द कश्मीर फाइल्स। जो द कश्मीर फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स भी लिखा गया। चलिए जान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका डॉक्यूमेंट्री किसे कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री जो होता है एक शॉर्ट से वीडियो बनाया जाते हैं, लंबा भी हो सकता है, बट उसमें केवल रिटेन के रूप में दिखाया जाता है। आप लोग देखिए कभी भी यूट्यूब पर सर्च कर देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट्री क्या है, डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी यानी ट्रायंगल ऑफ सैडनेस जो है इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए और इसके बारे में जान लेते हैं। जो आईडी था उसको एक और नाम से जाना जाता है, गोल्डन आई पुरस्कार। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन जो हुआ था फ्रांस में हुआ था। और इसका संस्करण जो था कौन सा संस्करण था, ये था
75वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पैरा कैनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। ये जो एक रेस होता है 200 मीटर का, उसमें कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, यानी जो भारत से जो खिलाड़ी गए थे उन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मोहंती सिन्हा, बी प्राची यादव, सी पारुल राणा, डी अमीषा सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राची यादव। प्राची यादव जो है इसमें कांस्य पदक जीती है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो प्राची यादव जो 200 मीटर का जो रेस जीती है वो कितने समय में जीती है, उसको जो टोटल 1 मिनट 4 सेकंड और 71 मिली सेकंड में इसको जीता है। और ये भी जो है इसमें जो कांस्य पदक जो है इंडिया खिलाड़ी जो प्राची यादव जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर्च्यून 500, यानी कि फॉर्च्यून एक संगठन है जो 500 व्यक्तियों की सूची जारी करता है। सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं, यानी कि कौन वैसे CEO है जो सबसे ज़्यादा वेतन पाते हैं। ऑप्शन ए है एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO है, बी है टीम कुक, और सी है सत्या नडेला, डी है मार्क बेनिओफ। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क, जो कि वर्ल्ड के सबसे धनी व्यक्ति भी है और ये जो है टेस्ला के स्पेसएक्स के CEO है, जो इनकी खुद की कंपनी है। और स्पेसएक्स जो है स्पेस में जो सैटेलाइट वगैरह भेजने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, किया जाएगा, यानी अभी दिया नहीं गया मतलब दिया जाएगा, ये जो जारी कर दिया गया। ऑप्शन ए है झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 6 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड। झारखंड को जो है अब की बार तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। WHO, देखिए WHO की स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और विश्व इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है। देखिए ये जो उद्घाटन हुआ है वर्चुअल हुआ है, जो आयुर्वेद सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ है और कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए देख लेना है गांधीनगर जो कि गुजरात में है, पुणे, बी है पुणे, सी कोलकाता, डी उज्जैन। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी उज्जैन, उज्जैन में जो है इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एक्सीलेंस इन सिनेमा, तो ऑप्शन ए है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी है अक्षय कुमार, सी अमिताभ बच्चन, डी है अजय देवगन। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसको जो दिया गया है अभिनेता जो एक्सीलेंस इन सिनेमा ये अवार्ड दिया गया है फ्रेंच रिवेरा कांस फेस्टिवल में। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ आयोजित किया गया था और क्या था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो फ्रेंच रिवेरा इसको फ्रांस में आयोजित किया गया है और इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जानी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है वेलोसिटी, बी है पर्थ स्कॉर्च, सी है सुपरनोज, डी है टेबल्स जेसर्स। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 9 का करेक्ट आंसर है सुपरनोज, जो कि ये महाराष्ट्र में खेला गया था और महाराष्ट्र में इसका संस्करण जो था चौथा संस्करण था और महाराष्ट्र के में खेला गया था, नहीं मुंबई में खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अडानी ग्रीन सहायक कंपनी, अडानी ये जो अडानी ही लिखा गया है, अडानी हाइब्रिड जो हाइब्रिड है हाइब्रिड ने भारत का पहला पवन और सौर या पवन सौर लिखा गया पवन और सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया है? यानी कि ऐसा संयंत्र जिसमें जो कि पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा दोनों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए उसको हाइब्रिड बोला गया है। इसमें दो चीज़ें सम्मिलित किया गया इसलिए हाइब्रिड बोला गया। ऑप्शन ए है भोपाल, बी गुरुग्राम और सी है हैदराबाद, डी है जैसलमेर, जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर, जैसलमेर जो कि राजस्थान में। ये जो बनाया गया है पवन और सौर ऊर्जा का हाइब्रिड, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है 390 मेगावाट की है। चलिए आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू।